ओडिशा के इस दर्दनाक हादसे के बाद ट्रेन के बारे में आप बहुत कुछ जानना चाहते होंगे, तो उन्हीं में से आज जानते हैं वेंडर्स के बारे में। ट्रेन यात्रा के वक्त आपने देखा होगा अक्सर लोकल वेंडर्स घुस जाते हैं, समोसा, रोटी, चाय, पान मसाला आदि बेचते रहते हैं। शायद आप लोगों ने भी उन लोगों से ख़रीदा होगा। लेकिन वो जो वेंडर्स आते हैं, क्या उन लोगों को टिकट होती है या फिर फ्री में बिजनेस कर लेते हैं? अगर वे ऐसा करते हैं तो टीटी की उन्हें जुर्माना नहीं लगाता, फ्री में क्यों जाना देता है? एक तो होते हैं IRCTC के वेंडर्स और उन्हें टिकट की कोई ज़रूरत ही नहीं होती, और दूसरे प्रकार के जो होते हैं वो होते हैं लोकल वेंडर्स। असल में एक प्रकार का सीजनल टिकट होता है जिसे हम पास भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से टीटी उन लोकल वेंडर्स को कभी नहीं पकड़ता, जिसकी वजह से वो लोग अपना बिजनेस कर सकते हैं कभी भी। और वो सीजनल टिकट अब 3 महीने तक वैलिडिटी होता है। और बहुत से वेंडर होते हैं जो बिना टिकट ट्रेन में उठकर अपना व्यवसाय करते हैं। ट्रेनिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियो पाते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें।